हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर वन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है एस ब्लॉक। क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग? एस ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को पढ़ने से पहले एक बात आप ध्यान दीजिए, एस ब्लॉक जो है वह पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है। एस ब्लॉक एक ब्लॉक है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना क्या होगा, आवश्यक होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? तो पीरियोडिक टेबल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वैसा टेबल जिसमें कि एलिमेंट्स को क्या किया गया हो, अरेंज किया गया हो, एलिमेंट्स को सजाया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वैसे टेबल को हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल। फिर से सुनिए, पीरियोडिक टेबल को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो पीरियोडिक टेबल को डिफाइन ऐसे करना है कि वैसा टेबल जिसमें कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया हो, एलिमेंट्स को सजाया गया हो, उसका एक फिक्स पोजीशन दिया गया हो, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वैसे टेबल को बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल चार ब्लॉक होता है। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक और एक होता है क्या, एफ ब्लॉक। टोटल चार ब्लॉक होता है और चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिला करके एक नया टेबल बनाया जाता है, उसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो वही हम एक एक करके सब टेबल को पढ़ेंगे और जब सब टेबल को पढ़ लेंगे तो कंबाइंड करके हमको पीरियोडिक टेबल बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है इसमें 118 एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट्स होता है इसमें पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल मिला करके 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और वो सब कहां से मिलते हैं, ये चारों ब्लॉक से। तो एक एक करके हम जो है सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को सबसे पहले हम देखेंगे। तो एस ब्लॉक को पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि एस ब्लॉक होता क्या है। तो वैसा एलिमेंट्स जिसका कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे एस ऑर्बिटल में, वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर से सुनिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? तो वैसा एलिमेंट्स जो कि जिसका कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे किसमें, एस ऑर्बिटल में, वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होता है वह होता है 14 एलिमेंट्स होता है टोटल एस ब्लॉक में। ये 14 एलिमेंट के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल पढ़ना है। तो वो कौन कौन सा 14 एलिमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, क्योंकि ये सब क्या है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझते चलिए। टोटल एस ब्लॉक में कितना होता है एलिमेंट, 15 एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक क्या होता है वो भी आप जान गए। तो एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट और वो जो 14 एलिमेंट्स होता है वो कुछ ऐसा है, ये सब है नहीं। तो ये है आपका 14 एलिमेंट जो कि एस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। आप इसको काउंट कीजिएगा एलिमेंट्स को, तो टोटल यहां पे लिखा हुआ जो है वो 13 है, एक एलिमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक एलिमेंट इसमें से ऐसा है जो कि एस ब्लॉक के डेफिनेशंस को फॉलो करता है लेकिन जाकर के बैठा हुआ है पी ब्लॉक में। तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। उस एलिमेंट्स का नाम है हीलियम। क्या नाम है? हीलियम। तो हीलियम को छोड़ करके बाकी 13 एलिमेंट्स यहां पर है और एक जो वैकेंट है यहां पे उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे अच्छे से कि भाई वो जो है क्यों पी ब्लॉक में जाकर के बैठा हुआ है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वह दो ग्रुप होता है। ऐसे देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होता है। क्या होता है? दो ग्रुप होता है, एक होता है ग्रुप वन और एक होता है ग्रुप टू। ठीक, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस वन से लेकर के टू, वेयर वेयर एन इज इक्वल्स टू टू माइनस सेवन। फिर से सुनिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स दो ग्रुप में बटा है, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, एनएस वन माइनस टू, वेयर एन इज इक्वल्स टू टू माइनस सेवन। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो अगर हम बात करें ग्रुप वन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस वन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस टू। नहीं, ये पूरा एनएस वन से लेकर के टू पूरा एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वही ग्रुप्स का कोई पूछ ले ग्रुप वन और ग्रुप टू का, तो आपको बताना है एनएस वन और एनएस टू। ये जो ग्रुप वन है इसको कहा जाता है अल्कली मेटल के नाम से, अल्कली मेटल, या इसको हाइड्रोजन मेटल के नाम से भी जाना जाता है, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है इसको, और हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसको ग्रुप वन को। वही बात करें ग्रुप टू को, तो ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन के नाम से, और इसको जाना जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात था इसके बारे में, इस ब्लॉक के बारे में। यही सब कुछ इधर लिखा हुआ है, सब आपको लिखने के लिए हम टाइम देंगे, लेकिन ये सब पहले आप समझ लीजिए। तो अब देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो कैसे रखा गया है। तो ग्रुप वन ये देखिए है और ग्रुप टू इधर वाला है। ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स आता है वो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये सब जो है वह ग्रुप वन का एलिमेंट्स है। इसका सिंबल्स की बात करें तो हाइड्रोजन को एच से, लिथियम को एल आई से, सोडियम को एन ए से, पोटेशियम को के से, रुबिडियम को आर बी से, सीजियम को सी एस से और फ्रांसियम को एफ आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर ग्रीन वाला लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये जो नीचे रेड वाला लिखा हुआ है ये है इसका मास नंबर। तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी यहां पे गिवन है। वही बात करें किसका, ग्रुप टू का। ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप वन, और ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप टू। ग्रुप टू की बात करें तो ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स आता है वो आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो गिवन है। इसका भी एटॉमिक नंबर ग्रीन से और मास नंबर रेड से दिखाया गया है, ग्रीन कलर और रेड कलर से। क्लियर है। अब जो है यहां पे आप देखिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए लिखे हैं कि यहां पे आपको हम बताया है, यहां पे ध्यान से देखिए कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस वन और ग्रुप टू का होता है एनएस टू। तो इसी के चलते बताया है कि जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट है ठीक है उसमें दो ग्रुप, ग्रुप वन का एनएस वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप वन को आप ऑब्जर्व कीजिए, इसका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लास्ट में एस वन होगा। इसी के चलते यहां पे हम लिखे थे। ग्रुप टू की बात करें तो इसका जितना भी लास्ट एस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें दो दो भरा रहेगा, इसी के चलते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस टू। तो यहां देखिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, वही यहां पे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमको भी नहीं समझाना, हमको ये समझाना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये जो बात बताया यहां पे वो क्यों, यहां पे ये चीज हम NS1 और NS2 लिखे हैं इसी के चलते इसको हम समझा दे रहे हैं। क्लियर। तो ये बात पूरा समझ में आ गया। अच्छा, जब ये बात पूरा समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं इसका डेफिनेशंस के बारे में, जो कि वहां पे लिखा हुआ है। सब कुछ जो चीज हम बताया है वही चीज लिखा हुआ है, आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा, वेट कीजिए। डेफिनेशंस क्या है, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स
The s orbital of their respective outermost shell are called s block element. वैसा element जिसका कि last electron enter करे किसमें? s orbital में. उसको क्या बोलेंगे? s block elements बोलेंगे. तो यही definitions लिखा हुआ है जो कि हम बता दें आपको. अब बात करते हैं इसमें कुछ कुछ points बना करके बात लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझिए. First point है इसमें कि s subshell has only one orbital which can accommodate only two electrons. Therefore, there are only two groups of s block element. S block elements का दो ग्रुप होता है. क्या होता है? दो ग्रुप होता है, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू. वही बात यहां पे लिखा हुआ है. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन इसको कि हम कहते हैं हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, जो कि यहां पे हम पता है इसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल के नाम से ग्रुप वन को जानते हैं या हाइड्रोजन के नाम से भी. वही बात करें ग्रुप टू की तो इसको जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से. क्या चीज? अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से. तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है. हीलियम कंप्रोमाइजेस एस ब्लॉक. हीलियम जो है वो कंप्रोमाइज किया गया है किससे? एस ब्लॉक से. कहां पे भेजा गया है इसको? पी ब्लॉक में. क्यों भेजा गया है उसको हम बोले हैं कि दो मिनट लास्ट में बताएंगे, आप वेट कीजिए. इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इंटर वन एस ऑर्बिटल. यहां पे देखिए हाइड्रोजन जो है इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण ये 1s ऑर्बिटल्स में इंटरेस्ट करता है. वही बात करें द रेस्ट ऑफ एलिमेंट इस सब के बारे में, ये सब के बारे में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में, तो ये सब जो है वो कहां पे इंटरेस्ट किया है? तो देखिए 2s में, 3s में, 4s में, 5s में, 6s में, 7s में. वही बात यहां पे लिखा हुआ है. वही बात करें हीलियम एंड द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2. हीलियम एंड द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, हीलियम को छोड़ करके बाकी जितना भी एलिमेंट्स है ग्रुप 2 का उसको भी आप देखिए सब किसमें इंटरेस्ट किया है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऑर्बिटल में. देखिए 2s 3s 4s 5s 6s है. हीलियम को भी छोड़ दीजिए क्योंकि हीलियम 1s में किया है, किया तो है लेकिन वो पी ब्लॉक में है तो इसके चलते इसका बात नहीं कर रहे हैं. तो यहां पर भी वही बात लिखा हुआ है. This element also belongs to S block and have NS2 as their general outermost electronic configurations. ये भी elements जितना है वो सभी group 2 का elements भी S block में आता है और इसका electronic configurations जो होता है वो होता है NS2, आपको already बता चुके हैं. अब बात करते हैं कि last जो point है वो लिखा हुआ है कि there are 14 S block element in the periodic table. कितना S block element है पूरे periodic table में? तो 14, 14 है, ठीक ना? इसको याद रखना है, वन मार्क्स में पूछा जा सकता है. तो जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम ग्रीन से रेड से क्या किए हैं, दिखा दिए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. जब आप इसको समझ लिए ठीक है तो कोई डाउट नहीं है इसमें. अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हीलियम के बारे में. कब से बात किए जा रहे थे कि हीलियम जो है यहाँ पे क्यों नहीं प्रेजेंट है, हीलियम को एस ब्लॉक के एलिमेंट से क्यों हटा दिया गया? हीलियम जबकि एस ब्लॉक का क्या करता है, डेफिनेशंस को फॉलो करता है. तो इसके बारे में अभी हम कुछ बात करेंगे, सुनिए. क्या इधर वाले थोड़ा पार्ट को मिटा दें या छोड़ दिए, उधर साइड है जगह देख लेते हैं. हाँ, हम बात करते हैं हीलियम के बारे में. हीलियम जो है वह एस ब्लॉक का क्या करता है, डेफिनेशंस को फॉलो करता है. बट ये एस ब्लॉक ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है. इसको कहां रखा गया है? पी ब्लॉक में. इसको रखा गया है पी ब्लॉक में. ऐसा क्यों? ठीक, ऐसा क्यों? हीलियम जो है इसको पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि हीलियम क्या है, हीलियम जो है वह इनर्ट गैस है. क्या है? इनर्ट गैस है हीलियम जो है. पहला बात, ये इनर्ट गैस है. दूसरी बात कि ये जो है वह लेस रिएक्टिव होता है. क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है. और तीसरा बात कि ये जो है वह क्या होता है, नॉन मेटल होता है. नॉन मेटल होता है. हीलियम के बारे में फिर से सुनिए. हीलियम को जो है एस ब्लॉक से हटा के पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया है कि हीलियम जो है वह इनर्ट गैस होता है, लेस रिएक्टिव होता है और नॉन मेटल होता है. वही बात करें ये पूरे एस ब्लॉक की, पूरे एस ब्लॉक की, तो ये जो है वह क्या होता है, एस ब्लॉक क्या होता है,
ये सॉलिड होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। और तीसरा चीज कि मेटल्स होता है, सबके सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो यही सब के कारण हीलियम को जो है वह यहां से हटा करके पी ब्लॉक में रख दिया गया, पी ब्लॉक के ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 में इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पे जितना भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है, इनर्ट गैस है, और हीलियम भी जस्ट उसी के जैसा बिहेव कर रहा था, इनर्ट गैस के जैसा। डेफिनेशंस तो है इस ब्लॉक का, लेकिन किसके जैसा बिहेव कर रहा था, इनर्ट गैस के जैसा। इसी के कारण इसको हटा करके ग्रुप 18 में पी ब्लॉक में रख दिया गया इनर्ट गैस को, हीलियम को, पहला कारण। दूसरा कारण कि ये लेस रिएक्टिव होता है, बाकी सब जितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें एस ब्लॉक में वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तीसरा कारण क्या रहा कि जितना भी एलिमेंट्स है यहाँ पे वो सब का सब मेटल्स है, लेकिन हीलियम क्या था, सॉरी हाँ हीलियम क्या था, हीलियम नॉन मेटल्स था। तो तीनों केसेस से ये डिफर पाया जा रहा था, इसके कारण इसको उठा करके वहां पे रख दिया गया। साइंटिस्ट लोग ऐसा दिमाग लगाए नहीं कि हीलियम को उठा करके वहां रख दिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हीलियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशंस को फॉलो करता है, ठीक, तो इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, तो आप बता दीजिएगा ये तीनों कारण के चलते, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है वह सबसे टॉप ऑफ द बॉटम क्यों रखा जाता है, सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है, व्हाई हाइड्रोजन प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्यों। तो इसको यहां पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास आप जानते हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छे से सुनना, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हो। तो हाइड्रोजन को क्यों रखा जाता है सबसे टॉप में, इसके पीछे रीजन होता है कि हाइड्रोजन के पास जो है वह यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टीज। यूनिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या यूनिक प्रॉपर्टी है भाई, पहला प्रॉपर्टी कि ये जो है वह अल्कली होता है, और दूसरा कि ये हैलोजन भी हो सकता है। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट वन ये अल्कली हो सकता है, और सेकेंड वन ये हैलोजन हो सकता है। अगर अपना एक, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो बन जाएगा अल्कली, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा हैलोजन। तो इसके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, अल्कली भी हो सकता है, हैलोजन भी हो सकता है, बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो दोनों का केसेस बता दिए, इसी के कारण हाइड्रोजन जो है अपने यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण सबसे ऊपर पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। तो ये सब जितना ही बात पता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो इसको फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, काउंट करते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5, मिटाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, सॉफ्ट मेटल्स होता है, जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत क्या होता है, लो होता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि बहुत कम होता है, किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल्स, क्लियर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वह क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होता है।
तो कह सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इस ब्लॉक का बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी इसका घटा दिया जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वह लो होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स रिक्वायर टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। इसको डिफाइन कर सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है। वही बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। तो ये कुछ नया बात नहीं है, हम बस आपको इसलिए बता दिए कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, आपको समझने में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, दे लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिट लीड टू फॉर्म्स प्लस वन एंड प्लस टू आयंस, ये सबको जानता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो सब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है नहीं, और इसका जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वह इंक्रीज करते जाता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाता है वैसे वैसे इसका मेटलिक कैरेक्टर क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, और जब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा तो इसी के कारण जो है यह नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो वही बात लिखा है कि दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, द मेटलिक कैरेक्टर्स एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, यह कभी भी प्योर फाउंड नहीं होगा नेचर में। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, The compound of S block element with the exception of beryllium are predominantly ionic. S block elements की बात की जाए, किसको छोड़कर के, beryllium को छोड़कर के, तो beryllium को छोड़कर के जितना भी compounds होता है S block में वह क्या होता है, predominantly ionic होता है। केवल S block में एक ही ऐसा element है जो कि predominantly ionic नहीं होता है, वो element का नाम है beryllium। बेरिलियम को छोड़कर के हर एक एलिमेंट प्रीडोमिनेंटली होता है। अब बात करें कि प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, क्लियर दिखाई पड़ रहा है जी? हाँ दिखाई तो पड़ रहा है। हाँ तो प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली इट मींस मेजरली आयोनिक, मेजरली आयोनिक। तो बेरिलियम को छोड़कर के इस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट होता है वह क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ दिस ब्लॉक इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, ये सब कोई जानता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाई, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा हुआ है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्यों होता है एस ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, नहीं इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इसके पास टेंडेंसी होता है। कब टेंडेंसी होता है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब केमिकल्स रिएक्शंस होता है, जब केमिकल्स रिएक्शंस होता है तो ये आसानी से क्या करता है, अपने सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसी के कारण S block elements जो है इसका strong reducing agent होता है। अब बात करते हैं next characteristics की, all are good conductor of heat and electricity। तो जितना भी इसमें elements होता है वह सब क्या होता है, good conductor of heat and electricity होता है। ऐसा क्यों, why the S block elements are good conductor of heat and electricity, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है because there are loosely bound electron present in the outermost shell। क्यों, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। इसी के कारण जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आई होप कि ये आपको एस ब्लॉक के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल समझ में आ गया होगा।
आपको लिखने के लिए हम टाइम देते हैं नहीं, अगले क्लास में जो है फिर हम लेकर के आएंगे एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या हो सकता है? पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सबको ही पढ़ना है। तो नया टॉपिक में फिर से आपसे मिलते हैं, इस क्लास में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं हम जितना हो सके आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल। तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 कंप्लीट।